साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई 9534 वैकेंसी की रिवाइज्ड आंसर की आई है, जिसमें से 59 प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं। हो सकता है किसी प्रश्न के एक से ज्यादा विकल्प हो, तो उसमें से जो भी विकल्प आपका है और यदि वो सही है तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब आता है जो 46 क्वेश्चन निरस्त हुए, कैंसल हुए, उसमें उन्होंने एक रिट याचिका का नाम दिया है 2669 पवन अग्रहरि हरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो आपको उसके निर्णय का समझ में नहीं आया होगा क्या है, तो मैं बता देता हूं कि जो 46 क्वेश्चंस कैंसल हुए हैं उसका कोई अंक किसी को नहीं मिलेगा। 46 क्वेश्चन जो कैंसल हुए हैं उनमें से किसी को कोई अंक नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लेता हूं 46 में से आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है जो कि गलत है, अब वो निरस्त कर दिए गए, तो आपको 2 का सही होते आपके तो वो 5 नंबर मिलते हैं, उसका कोई मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेगा। वो 40 नंबर हटके, वो 40 क्वेश्चन हटके, या आपकी शिफ्ट में 40 में से जितने क्वेश्चन गलत होंगे उन्हें हटाकर तब मेरिट बनेगी। अब जैसे मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके 160 क्वेश्चन आए, 160 में से मान लेता हूँ 40 में से जो 10 क्वेश्चन है वो आपकी शिफ्ट में हो वो गलत हो गए, तो 160 में से 10 क्वेश्चन हटा दो, कितने बचे? 150। अब 150 क्वेश्चनों पे ही आपकी शिफ्ट की वो स्केलिंग होगी। याद रखिएगा यही पवन अग्रहरि केस का निर्णय था। तो 46 क्वेश्चंस जो उसका किसी को कोई नंबर नहीं मिलेगा, सेम हमारे 2017 वाली जो पेपर हुआ था, 2016 वाली वैकेंसी का, उसमें भी हुआ था कि जो क्वेश्चन निरस्त किए गए थे उनमें से किसी को कोई मार्क्स नहीं मिले थे। तो जितने आपके गलत थे उनको हटा दो तब आपकी मेरिट लगेगी, तब 2.5 गुणा करके तब स्केलिंग होगी। ठीक है भैया, और कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।